हेलो एवरीवन, जेके किंग क्रिप्टो में फिर से एक बार आपका वेलकम है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएल और टीपी के बारे में। दोस्तों अगर आपके पास में बड़ा फंड है और अगर आप एसएल नहीं लगा रहे तो हो सकता है आपका फंड यहाँ पे जीरो होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में मैं बताने वाला हूँ कि आपको कितने फंड में कितना एसएल आपको लगाना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ में। काफी लोग बोलते हैं कि विदाउट एसएल आपको मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेडर हो और कोई भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, जैसा बाइनांस में कर रहे हो, कुकॉइन में कर रहे हो या बिटगेट में कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपका फंड यहाँ पे बड़ा है, मतलब $1,000 से लेके $5,000 $10,000, तो आपको यहाँ पे विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक बड़ा लॉस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि कोई भी मार्केट लो वहां पे मैनिपुलेशन होता है। हर मार्केट में वेल्स यहाँ पे मैनिपुलेशन करते हैं और मार्केट को ऊपर नीचे यहाँ पे अपने हिसाब से चलाते हैं। तो आपका फंड यहाँ पे किस तरीके से सेफ आपको करना है, उसके लिए आपको एसएल लगाना काफी जरूरी है। तो चलते हैं यहाँ पे किस तरीके से आपको एसएल लगाना होगा। अगर आपके पास में $1,000 का फंड है और आपने $500 यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में एक ट्रेड ओपन करते हो, मान के चलो इथेरियम और यूएसडीटी का ट्रेड आपने लिया, $500 का है वो वहां पे ट्रेड है और आपकी लिवरेज है 5x, तो आपका यहाँ पे ट्रेड कितने डॉलर का लग गया, $5,000 का। दोस्तों आप अपने फंड के हिसाब से 5% से लेके 10% आपका एसएल यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपका ट्रेड यहाँ पे बाई का है, मतलब लॉन्ग कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे 5% या 10% आपका एसएल नीचे की तरफ आपको लगाना है। दोस्तों हर टाइम मार्केट वन साइड नहीं रहता, कभी कभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मार्केट वन साइड यहाँ पे एक तो नीचे गिर जाता है या अच्छा खासा ऊपर चले जाता है। उस कंडीशन में आपका फंड यहाँ पे काफी बड़ा लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए आपको एसएल लगाना काफी जरूरी है। अगर मार्केट वन साइड नीचे आता है और आपका ट्रेड लॉन्ग का है, तो आप यहाँ पे 5% से लेके 10% जो भी आप अपना लॉस वहां पे ले सकते हो, उसके हिसाब से आप एसएल लगा के आप अपना पोर्टफोलियो बचा सकते हो। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे मात्र $100 का है और आप $100 से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे एसएल लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है तो बार बार आपको आपका एसएल जो है वो हिट हो जाएगा और एक ना एक दिन आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे जीरो कर देगा, क्योंकि मार्केट है, वेल्स है, वो आपका एसएल हिट करके ऊपर की तरफ चले जाता है या आपका ऊपर का एसएल हिट करके नीचे की तरफ वो चले जाता है। दोनों साइड से आपका एसएल हिट करके वो मार्केट यहाँ पे चलता है। दोस्तों तो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके फंड के हिसाब से आपको अपना एसएल चूज करना है, लगाना है कि नहीं लगाना है। मैंने आपको अभी बता दिया कि आपका अगर फंड बड़ा है तो आप विदाउट एसएल ट्रेडिंग ना करिए, लेकिन अगर आपका फंड छोटा है, छोटे फंड से आप ट्रेड कर रहे हो, तो एसएल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो मार्केट आपके सामने ही रहता है, आप अपने हिसाब से ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर सकते हो और अपना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। दोस्तों मिनिमम फंड के हिसाब से एसएल कितना होना चाहिए? दोस्तों कोई कोई लोग 5% से लेके 10% यहाँ पे रखते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो $1,000 से लेके $10,000 का है, तो आप यहाँ पे 10-12% का एसएल आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपका $1,000 है और आपने 10% का एसएल लगा दिया, मार्केट अगर नीचे आता है और आपका ट्रेड लॉन्ग का है, तो आपको सिर्फ मात्र $100 का ही नुकसान होगा, और वहां से अगर मार्केट और नीचे आता है तो आपका $900 यहाँ पे बच जाएगा। तब वहां पे वहां पे सपोर्ट का इंतजार करना है और अगेन आप वहां पे एंट्री ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि एसएल मुझे, अगर मार्केट नीचे जाता है और मुझे एवरेज आउट करना है, तो वो आपको फंड डाल के और एवरेज आउट उसको कर सकते हो। मतलब 20% अगर आपका पोर्टफोलियो नीचे आता है, मतलब 20% आप लॉस में वहां पे चल रहे हो, तो आप वहां से एवरेज आउट उसको कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन है हेजिंग का, अगर आपको हेज करना आता है तो वहां पे आप मार्केट में अपने ट्रेड पे हेज यहाँ पे लगा सकते हो। हेज क्या होता है दोस्तों,
वहां पे दोनों ट्रेड आपके चलते रहेंगे, एक लॉन्ग का और एक शॉर्ट का। दोस्तों हेज आपको कैसे करना है इस टॉपिक में मैं डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। किसी लोगों को हेज करना आता होगा तो वहां पे वो हेजिंग के रूप में आपका ट्रेड यहाँ पे बचा सकते हो। दोस्तों मार्केट कोई भी हो आपको SL लगाना काफी जरूरी है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो मेरा कहना यही रहेगा कि आप SL लगा के यहाँ पे ट्रेड मत करो, क्योंकि क्या होगा बार बार आपका SL हिट होगा और बार बार यहाँ पे आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो उसके बजाय आप मार्केट में स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप अपना लॉस और प्रॉफिट तुरंत निकाल के यहाँ पे मार्केट से क्लोज आउट हो जाओ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर कुछ आपके क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको हेज किस तरीके से करना है ट्रेडिंग में, उसके ऊपर डिटेल्स में एनालिसिस में करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिए। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही नए वीडियो के साथ में, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।